नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कोतपुतली में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान किया गया, जहां पर कोतपुतली के एलबीएस कॉलेज और पाना देवी महिला कॉलेज में छात्र संघ के लिए मतदान किया गया। मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। इसके साथ ही मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार मतदाताओं के सामने लंबलीट नजर आए। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस भी चाक चौबंद नजर आई। मौके पर एसडीएम और एडिशनल एसपी डीवाईएसपी मौजूद रहे। टोंक में लगातार बारिश के बाद बीसलपुर बांध में पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। वहीं जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल बीसलपुर बांध पहुंचे, जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना कर बांध के गेट खोले जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान बीसलपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभाती लाल जाट समेत बांध परियोजना से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीसलपुर बांध के दो गेट 50-50 सेंटीमीटर खोलकर 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। इस वारदात में लगभग 50 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना चोरी होने की मामला सामने आया है। घटना को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पर पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये मैं जब शॉप मंगल करके आया और इसे अफरा तफरी मची हुई थी और इसे हम ये सुना अभी कोई चोर आए तो हम ऊपर देखने गए, उधर उधर घूम के देखा, हमको कोई देखा नहीं, कोई नजर नहीं आया वहाँ। और हमने फिर देखा यहाँ, तो फिर ऊपर से देखा सब बखेरे हुए थे, कपड़े वगैरह और सब सामान बखरा हुआ था। और जब वारदात के समय ऊपर में गेट लगा हुआ था और जब ये चाय बनाने आया था, तो ये चाय बनाने गया तो नीचे से गेट खुला था और ये चाय बना के वापस ये रिटर्न होके निकल गया। लगभग कितना नुकसान? नुकसान से 101 ग्राम सोना है और कुछ 50-60 किलो चांदी का नहीं, यही रखते थे सामान तिजोरी में से। हाँ, बकारी थी, बकारी है अंदर दीवार के अंदर अटैच बकारी है, उसमें गाय के वगैरह गलवारी में से भी सब कपड़ा वगैरह निकाला हुआ था, वो भी सब बिखरा हुआ पड़ा था। पलंग के जो सोफा के खुला हुआ था पलंग। कोतपुतली में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान किया गया, जहां पर एलबीएस कॉलेज और पाना देवी में छात्र छात्राओं ने मतदान किया। मतदान के लिए छात्र छात्राओं में भारी जोश देखने को मिला। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। इस दौरान कॉलेज के बाहर 300 मीटर तक बैरिकेड्स लगाए गए। छोटी सादरी के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान किया गया। 10 बजे से 57% मतदान हुआ। कुल मतदाता 489 में से 289 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं मतदान के लिए 5 घंटे का समय तय किया गया, यानी मतदाता दोपहर 1 बजे तक अपने अपने वोट डाल चुके हैं। वहीं मतदान प्रक्रिया को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएसपी मनीष बरगुजर और सीआई कपिल पाटीदार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।